हम मैं विपक्ष से बड़े थक चुके हैं। अगर भेदभाव कर रहा तो विपक्ष के लोग कर रहे हैं। देश के अंदर हिंसा के लड़ाने की बात जो मुस्लिम हिंदू की बात कर रहे हैं वो विपक्ष के लोग कर रहे हैं। अमेरिका से भी ज्यादा देश का विकास हुआ है, ये अंधे लोग को दिखता नहीं है, इटालियन चश्मा लगाया हुआ। 2024 का चुनाव करीब है, विपक्ष आएगा शराब गांजा पिलाएगा। मोदी जी का एक ही नियम है, एक ही सिद्धांत है। एक ही सिद्धांत क्या है? सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज हम लोग चांद पर गया है, ये मोदी जी का देन है, नहीं तो ये साइकिल से जा रहा था चांद का विकास करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष और मैं हूं आप सभी के साथ प्रियंका रॉय। देश में जल्द ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में संसद से लेकर सड़क तक लगातार विपक्ष पक्ष हंगामा काट रहा है। एक भी मौका एक दूसरे प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ने का नहीं छोड़ रहा है, लेकिन पक्ष और विपक्ष से कौन सी पार्टी ने जनता को कितना लुभाया है और 2024 के चुनाव पर जनता किसे सत्ता में बिठाएगी, ये जानने के लिए हम कनॉट प्लेस आ गए हैं, जहां पर हम जनता से उनकी राय जानेंगे कि उनके दिल में क्या है और उनका रुझान कौन सी पार्टी की तरफ है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम एस रावत हुआ। क्या लग रहा है, चुनाव नज़दीक है, आपके दिल में कौन है और किसे सत्ता में ला रहे हैं? देखिए, हमारे दिल में तो एक ही है और एक ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? कि उनका काम बोलता है। मैम देखिए, उनका काम बोलता है और काम के लिए खाली मोदी जी हैं, मोदी जी के अलावा कोई पसंद नहीं है। तो आज संसद के सत्र, जो विशेष सत्र चल रहा है, उसमें उन्होंने मोदी जी को जो है चुप कर दिया है, कह के कि 70 साल पूछते हैं क्या क्या कांग्रेस ने, जो आप विरासत संभाल रहे हैं उसकी नींव ही कांग्रेस ने रखी थी, क्या कहेंगे? अब देखिए, कांग्रेस ने क्या क्या करा वो तो सबको ही पता है। 1947 में क्या करा, सनातन पे, हिंदुओं पे कितना अत्याचार हुआ, कितने महिलाएं के साथ बलात्कार हुआ, कितना अत्याचार करा उन्होंने, कितने हिंदुओं को मार डाला गया, क्या क्या हुआ, उसका रिजल्ट यही आया। और अभी भी क्या है, उनकी एक ही नीति है, वो है फूट डालो और शासन करो। वो चाहते हैं कि देश में किसी तरह से अराजकता फैले, लोगों में दंगा फसाद हो, हिंदू मुस्लिम हो और उससे हमारी रोटियां सीखें। आपने कहा हिंदू मुस्लिम सबसे ज़्यादा आरोप बीजेपी पर लगते हैं, मोदी जी पर लगते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी का एक ही नियम है, एक ही सिद्धांत है। एक ही सिद्धांत क्या है? सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। क्या लग रहा है, वाकई सबका साथ सबका विकास हो रहा है, मोदी जी लेकर चल पा रहे हैं सबको साथ? नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ, हिंसा को, नफरत को खत्म करो और देश को आगे बढ़ाओ। अगर भेदभाव कर रहा तो विपक्ष के लोग कर रहे हैं। देश के अंदर हिंसा के लड़ाने की बात जो मुस्लिम हिंदू की बात कर रहे हैं वो विपक्ष के लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं भारत की जनता से बताना चाहता हूँ, अब भारत की जनता के अंदर बहुत ही जागरूकता आ गई। अब ये विपक्ष के बहकावे में नहीं आएंगे, विपक्ष इनके बीच में जा रहा है, फिर लड़ाने का काम कर रहा है, मुस्लिम के बीच में भी जा रहा। अरे, इन्होंने देश के अंदर 75 साल में क्या किया है? पत्रकार साहब महोदय, 75 साल के सताए हुए लोग हैं हम, जड़े हुए लोग हैं, हमें मत छेड़ो। हम मैं विपक्ष से बड़े थक चुके हैं। इन्होंने गंगा को बेचने का काम किया, जमुना को बेचने का काम किया, मंदिर को बेचने का काम किया, मस्जिद को बेचने का काम किया, तो शुक्र मानो भगवान पर्दे में है, नहीं तो भगवान को बेचने का काम करते। इनसे बड़ा चोर नहीं आया, इनसे बड़ा लुटेरा नहीं आया। इन्होंने गरीबों का खून चूसने का काम किया है। आज तक अगर संसद के अंदर गरीबों की आवाज़ उठाने का काम किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गरीब मजलूम क्या अगर आवाज़ उठाने का काम किया वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर देश का विकास किया है वो हर समाज का विकास किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपके सामने प्रैक्टिकल है, उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर आप देख लीजिए, गाँव के अंदर लाइट नहीं थी, हाईवे रोड नहीं थे, किसान परेशान था, गरीब परेशान था, मजलूम परेशान था। आज हर आदमी को सम्मान, हर हक देने का काम किया है वो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने किया है। लेकिन योगी जी से जो यूपी की बात करें तो यूपी के जो मुसलमान भाई हैं वो तो खफा दिखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 5% 40 करोड़ मुसलमान है इस भारत के अंदर। 5% मुसलमान की मैं बात नहीं करता, 35 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, उनके समर्थन में है। और 2024 में हम दिखाएंगे फूल का बटन दाबकर और योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाएंगे, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्योंकि उनका बुलडोजर पाकिस्तान जैसे को मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। आप कांग्रेस को वोट देना चाहते हो? अगर कांग्रेस का भला करना, अखिलेश का भला करना, मायावती का भला करना, क्या केजरीवाल जी का भला करना, तो दीजिए वोट। अगर देश का भला करना, देश के युवाओं का भला करना, तो योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाकर देश का भला, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी। हाल ही में घोषी उपचुनाव के जो है नतीजे आए हैं, वहाँ तो अखिलेश पार्टी छा गई, क्या कहेंगे?
देखना आप पत्रकार साहब महोदय, 400 को हम पार कर रहे हैं, 400 को पार कर रहे हैं। मैं भारत की जनता से बताना चाहता हूँ, 2024 का चुनाव करीब है, विपक्ष आएगा शराब गांजा पिलाएगा आपको, यही काम करता है वो, बहकाने का काम करेगा आप लोगों को, अमृत पिलाएगी है। अरे बीजेपी विकास करेगी, अगर गरीब मजलूम की आवाज उठाने का काम कर रहा है, सारे माफियाओं को जेल में डालने का काम किया वो योगी जी ने किया है, बाबा जी के बुलडोजर ने किया है, क्या किया है विपक्ष ने आज तक मुझे बताइए पत्रकार साहब महोदय आप। तो कह रहा है विपक्ष ने यही किया है, यहाँ पे देखिए दिल्ली में बाबर रोड बनाया, अकबर रोड बनाया, हुमायूं रोड बनाया, खिलजी रोड बना दिया, जो की खिलजी वही था नालंदा, मस्जिदों को हटा रहे हैं विपक्ष तो। अरे बीजेपी जो है मस्जिदों पर जुर्म कर रही है, क्या बात कर रहे हैं मैडम, जो गलत करेगा भ्रष्टाचार करेगा, केजरीवाल का 4 मंत्री कैसे जेल चल गया बिना भ्रष्टाचार का, और केजरीवाल बोलते हैं प्रधानमंत्री बन जाएगा, फ्री फ्री करके केजरीवाल देश को चला लेगा क्या, फ्री करके आप में सोना पैदा करता है क्या केजरीवाल कि देश को चला लेगा, मोदी जैसा ऑल वर्ल्ड वंडरफुल लीडर मोदी, विश्व का आश्चर्यजनक नेता है नोती मोदी जी, जिसने कांग्रेस ने, अरे सुन, कांग्रेस ने, कांग्रेस का नारा था रोटी कपड़ा मकान, 70 साल का पोस्टर लेकर घूम रहा था कांग्रेस, जो कि मोदी जी ने तीनों पूरा किया, रोटी कपड़ा मकान, जो फैसिलिटी मोदी जी ने दिया है विश्व का आश्चर्यजनक फैसिलिटी है, बेरोजगार जो है भूख मर, बेरोजगारों को रोटी नहीं मिल रही है, क्या बोल रहे हैं, अरे ऐसे आपको पता नहीं है, राहुल गांधी बोलता है मैं पंडित ब्राह्मण हूँ, वो कैसा ब्राह्मण है, 1 करोड़ कश्मीरियों को भगा दिया कश्मीर से, आ 1 करोड़ को जान से मार दिया और करोड़ों को मुसलमान बना दिया, वही राहुल गांधी ब्राह्मण है, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, धर्म पर लड़ता हूँ। हाँ मैडम, फ्री तो मोदी जी भी दे रहे हैं राशन, वो फ्री क्यों दे रहे हैं, अगर उन्होंने लेडीज के लिए महिला का सम्मान किया संविधान के हिसाब से, बस फ्री कर दी तो कौन सा जुलम, क्या पता है राजस्थान में जाकर किसानों से पूछो 5 पैसे 10 पैसे खाता में आ रहा किसान का, अनकी बेरा राजस्थान भी नहीं जीतेगा, ओ वहाँ भी जीता है ना कर्नाटक में, विकास के लिए रोड करने के लिए कोई पैसा नहीं है, गरीब के खाने के लिए चावल भी नहीं मिल रहा है कर्नाटक में, नहीं मिलेगा तो क्या तेलंगाना में भी जीतेंगे, 5 गारंटी बांट दी, अरे ये तो पागल है, प्योर इज श्योर पागल, ये राहुल गांधी जाकर विदेश में बोलता है भारत में रेप हो रहा है, ऐसा को प्रधानमंत्री बनाने के लायक है, दलितों का तो मारता संसद भवन में किस मारता है, अरे इसका 10 साल का लाइफ इंश्योरेंस बचा हुआ है, इसका शादी करवा दे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इसका तो झूठी पाई गई थी, क्या स्मृति ईरानी तो झूठी पाई गई थी, क्या बात कर रही है, झूठी नहीं जो बात है क्लियर है, ये प्रधानमंत्री के लायक है ये बताइए तो हमको, 500 के सिलेंडर में सड़क पे आ जाती थी, अब 1100 का सिलेंडर हो गया, कहाँ गई कांग्रेस का, क्या 9 साल अंडरवर्ल्ड को पैदा किया, अंडरवर्ल्ड को पैदा किया, आतंकवाद को पैदा किया कांग्रेस ने किया, अंडरवर्ल्ड का पैसा आधा फिल्मी दुनिया का पैसा ये पाकिस्तान में जाता था, आज हम लोग चांद पर गया है, ये मोदी जी का देन है, नहीं तो ये साइकिल से जा रहा था चांद का विकास करने के लिए, हम आज जवाहरलाल नेहरू के लिए कपड़ा धोने के लिए पेरिस में जा रहा था, कपड़ा धोने के लिए सिगरेट पीने के लिए विदेश ले आता था, नहीं मोदी ने बैग भी दिया है, मोदी ने बैग भी दिया भाई साहब को, हाँ ये देखो ये आपको क्या लग रहा है, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, लग रहा है विकास हुआ है, हो तो रहा है विकास, देखो सामने भाई साहब खड़े हैं, विकास कितना विकास है, ये अमेरिका से भी ज्यादा देश का विकास हुआ है, ये अंधे लोग को दिखता नहीं है, इटालियन चश्मा लगाया हुआ है, इटालियन चश्मा पहना है, विकास हो गया, देखो सामने विकास हो गया, ये भी विकास हो गया, प्रधानमंत्री बनाएगा सारा विकास, ये गरीब आदमी का माहौल उड़ा रहा, और देखो इसकी मानसिकता की, ये देश के इसमें कितनी अच्छी बात कर सकता है कोई इससे उम्मीद, देखो इस भाई से, ये कैमरेमैन इसकी एक बार सिंगल दिखाओ, ये गरीब आदमी का मजाक उड़ा रहा है, ये देखो इसको, ये मानसिकता है विपक्ष की।